हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डन एंड क्राफ्ट में। जैसा ये आप देख रहे हैं कि एक फूड कंटेनर है, तो इस पे लिड नहीं थी, और जैसे लिड नहीं थी इस पे अलग से जैसे प्लास्टिक लगी के आती उस टाइप का ये फूड कंटेनर है। तो मैंने इसको ले लिया है, मैंने तीनों को साथ में रख कर तीन फूड कंटेनर लिया है, और ये कोई यूज़ में नहीं था, ये फेंक ही दिया जाता क्योंकि लिड भी नहीं थी, कोई ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकता इंसान, और इसको फेंक ही दिया जाता। मैंने इसको अपने गार्डन में इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैंने क्या तीनों को एक साथ रख लिया, इसलिए साथ रख के मैंने इसमें होल किया है कि कोई भी होल इधर उधर ना हो। फिर मैंने तीन सारे साथ में होल कर लिए हैं, चार होल किए, और बीच में ड्रेन पानी ड्रेन हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ बीच में भी कई होल कर लिए हैं। ये ऐसे फेंक ही दिया जाता, कोई भी काम ना आता, इसलिए मैंने इसे अपने गार्डन में अच्छे से हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। इन सब ये सारा काम करने के बाद हमें लेना है ये रस्सियाँ, इस टाइप की कुछ भी आपके पास डोरी हो तो उसको आप ले लीजिए। मुझे चार लेनी थी तो मैंने इसको चार ले लिया है, ये चार डोरी ले लिया, चारों डोरियों को एक बराबर नाप के काट लिया है, और एक एक डोरी लेके इस होल में डालकर ऐसे होल में डाल के पीछे से बांध देना। जैसे ये है यहाँ पर कंटेनर, इसमें डाल के चारों डोरियों को पीछे से बांध देना है, फिर बीच में डालना है, डाल में डाल के उसको भी बांध देना है, इसी तरह से करना है आपको। ये देखिए मैंने चारों डोरी डाल दी, चारों डोरी डालने के बाद मैंने इसे पलट दिया, पलटने के बाद अब मुझे यहाँ चारों तरफ से गांठ मार देनी है। अच्छा ये कि मैंने इस पर कलर नहीं किया, कलर इसलिए नहीं किया क्योंकि खुद ही डार्क कलर है ब्लैक कलर में, और कलर कोई भी करेंगे तो वो धूप में उड़ ही जाता है, पर ये परमानेंट कलर रहेगा और इसका कलर नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने इस पर कलर नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप इस पर अच्छा सा कलर भी कर सकती हैं। देखिए मैंने तीनों ही कंटेनर को उसी तरीके से नीचे से गांठ मार मार के बराबर से एक अच्छा सा हैंगिंग प्लांटर मैंने तैयार कर दिया है, और हैंगिंग प्लांटर तैयार होने के बाद कितना अच्छा लगने लगा है। मैंने इसके अंदर एक अच्छी सॉइल मिक्स, हल्की सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने इसमें मूंगफली के छिलके का यूज़ किया, जो कि मैंने नीचे पहले भर दिया, फिर ऊपर से सॉइल डाली है, और मैंने तीनों में प्लांट लगा दिए। देखिए लगने के बाद कितना प्यारा लगने लगा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे मैं एक अच्छी जगह पर टांगूंगी।